इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, पेगासस कथित जासूसी मामले को लेकर आज भी संसद में हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसका ट्रेलर राहुल गांधी ने संसद परिसर में दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल लोकतंत्र के खिलाफ हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम पर न्यायिक जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। अगर कुछ लेना देना नहीं है, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने यह नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है, तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं, हां लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। राफेल का मामला क्लासिफाइड था, किसानों का मामला क्लासिफाइड है, आजकल हिंदुस्तान में सबका सब क्लासिफाइड है, ठीक है। पोटेंशियल टारगेट की बात करें कि हम ये नो इट इज नॉट अ पोटेंशियल टारगेट, माय फोन इज टैप्ड, इट इज क्लियरली टैप्ड। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा उनका फोन टैप किया गया और ये मसला केवल प्राइवेसी को लेकर नहीं है, ये मसला मुद्दों को लेकर है, ये मसला लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल हुआ। पेगासस मामले में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। सरकार को उसकी जानकारी दे देंगे, नियत जो नियम और प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और मैंने पहले भी कहा ये अंडर एग्जामिनेशन है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य से ऐसे कितने प्रस्ताव इस सीआरजेड के अंतर्गत केंद्र के पास प्रलंबित है और जो प्रलंबित प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार कब तक उसका निपटारा करने वाली है। मुंबई और मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट का प्रस्ताव सरकार के पास आया है और बाकी जो है उसके लिए अभी हमें प्रतीक्षा है, अन्य राज्यों से भी प्रतीक्षा है। जहां तक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का विषय है, अभी तक केवल उड़ीसा राज्य का पूरा हुआ है, बाकी राज्यों का विवरण मेरे पास है, सबसे हमारे द्वारा अपेक्षा की जा रही है कि वो बना करके भेजेंगे। जरा समय की पाबंदी बताएंगे तो अच्छा होगा, समय की पाबंदी बताएंगे कितने दिन में पूरा होगा, समय की पाबंदी, समय की नंबर 62
श्री राहुल सेवाले 62, 68 और 73 को क्लब किया जाता है। धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय ग्लोबल टेंडर के बारे में जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।